इमोशनल इंटेलिजेंस ते एमसीक्यू नवे जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उन्होंने दो भागों में वंडिया है। इस भाग में 20 क्वेश्चन जिहड़े डिस्कस किए जाएंगे, थोड़े डिफिकल्ट ते वक्रे क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। खासियत इस वीडियो की यह होएगी कि मैमरी ट्रिक्स के किस तरह एक दो वर्ड या शब्द लभ के राइट आंसर, राइट ऑथर, राइट कोटेशन, राइट डेफिनेशन नू या राइट टाइप ऑफ मॉडल नू इमोशनल इंटेलिजेंस दे नू लभ लेना है। पंजाबी ते इंग्लिश विच नाल नाल चलांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हैव नॉट नू मैं अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, गिवन द मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्हां विचों किहड़े मनोविज्ञानी ने भावनात्मक बुद्धि का मॉडल नहीं दिता है। बार ऑन बार बार इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हां नाल जोड़िया जाता है। गोलमैन जिन्हां ने पॉपुलर किया, मेयर सॉल्वे क्रूसो, तिन्हां का नाम आता है। इन्हां तिन्हां विचों आ दोवां का नाम बहुत ज़्यादा आता है। सो इमोशनल इंटेलीजेंस के मॉडल इन्हां सारिया ने दिता है। नॉट पुछया है, सो राइट आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। इस तो बाद सेकंड क्वेश्चन है साडे कोल, अकॉर्डिंग टू विच मॉडल इमोशनल इमोशंस आर यूजफुल सोर्सिस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट एड इन मेकिंग सेंस ऑफ एंड नेविगेटिंग द सोशल एनवायरमेंट। किस मॉडल के अनुसार भावनावां जानकारी दे उपयोगी स्रोत हैं। मैं किसनों अंडरलाइन कर लिया है, पंजाबी वाले इतों अंडरलाइन कर लो, इसनों उपयोगी स्रोत नूं इधर मैं कर रहा हाँ के यूजफुल सोर्सिस, और एक शब्द मैनु होर मिलिया है एड इन मेकिंग सेंस एंड नैविगेटिंग, है ना। सो यूजफुल सोर्सिस पंजाबी विच यूज किया मैं, उपयोगी का य उठ के ये योग्यता जोड़िया होया सी, जिहदा योग्यता आधारित मॉडल उसकी मेन कोटेशन है, तो इतने लिख लिया सी उपयोगी उपयोगी, ठीक है, योगी योगी मिल गया। इस तो याद रह गया कि ए वाला आंसर है। इंग्लिश विच एड तो याद रखिया सी, एड इन मेकिंग सेंस क्योंकि ये एबिलिटी की गल करते हैं, नेविगेटिंग एक एबिलिटी होंदी है, दैट इज़ वाई इन्हां दे मीनिंग तो इस दे शब्द दे अर्थ तो एबिलिटी नूं याद रखिया। राइट आंसर इज एबिलिटी बेस्ड मॉडल। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, मोस्ट रीसेंट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस भावनात्मक बुद्धि का सब तो ताज़ा मॉडल केड़ा है, केड़ा है जी। हुणे पिछे गल करके आए हैं पर्सनैलिटी ट्रेट की, सो पर्सनैलिटी ट्रेट इत्थे पर्सनैलिटी फिर लग सकते हैं। राइट आंसर है, ये मॉडल पहला दे आए हुए ने, अगे चल के समझते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, ट्रेट देखो पिछे गल करके आए हैं, नाल लिंकड है, ईजीली याद हो जाएगा। ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस इज गिवन बाय, देखो रेवन दे बार नूं मैं बड़ी बार यूज किया सी जी, बार है क्योंकि इन्होंने दिता सी इमोशनल सोशनल इंटैलीजेंस स्केल, तीन मिलते सी, सो ये मैं रिजैक्ट करता इन्हों का, तो इमोशनल सोशल इंटैलीजेंस है, इतने ट्रेट है। गोल गोल मैं था, मैं गोल गप्पा इस ना याद रखिया सी, जो गोल गप्पा सीगा याद रखिया, पी लास्ट ते आया, पी तो मैं परफॉर्मेंस नूं याद रखिया सी, परफॉर्मेंस नाल इन्हां दा मॉडल रिलेटेड है जां नाम है, सो ए वी रिजेक्ट हो गया। मेयर सॉल्वे दा पहला शायद गल अगे करांगे, सो सब तो पहला इन्हां दे दित्ता सी। सो रीसेंट जिहड़ा आ रहा है, नैचुरली जे होर कोई नुकता नहीं लगता तुसीं इह देखो कि तो सब तो घट नाम किहदा सुनिया है, कॉन्स्टेंटिन वैसली पैट्रियार्ड्स, पैट्रियार्ड्स नाम तुहानूं बार बार मिलेगा क्योंकि पैट्रियार्ड्स दे नाल ना जुड़दा है ट्रेट बेस्ड मॉडल जां पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस। सिर्फ लिखो पैट्रियार्ड्स या पैट्राइड्स जो भी इसनों अनाउंस करना है, नाल ही ट्रेट नूं कढ़ के टी वी है, आर वी है, ए आई टी ट्रेट एना लिख लो। सो मॉडल दे नाम मैं इस तरह याद किए हुए हैं, लेकिन इस तो वध भी इनफॉर्मेशन याद की हुई है वो अगे चल के दसदा हाँ कि किस तरह होर जानकारी विच शामिल की जाती है, तुसीं अपनी कॉपी के नाल नोट कर सकते हो। द मैनेजीरियल परफॉर्मेंस इन ह्यूमन रिसोर्स इज मेजर्ड बाय ए 360 डिग्री फीडबैक प्रोग्राम नोन एज डैश विच असैस ई क्यू ऑफ द इंप्लाइज और लर्नर इन टोटैलिटी। मनुखी वसीलिया विच प्रबंधकी कारगुजारी नूं एक 360 डिग्री फीडबैक प्रोग्राम द्वारा मापिया जाता है, जिसनों डैश कहा जाता है, जो कि कर्मचारी या सिख्यार्थी की समुची ईक्यू का मुलांकन करता है। कि यह है मल्टी सोर्स फीडबैक, मल्टी रेटड फीडबैक, मल्टी सोर्स असैसमेंट या ऑल ऑफ द अबव। बहुत सौखा क्वेश्चन है, नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 360 डिग्री की गल की गई है फीडबैक की। इस 360 डिग्री की है, ये स्टूडेंट्स तो भी फीडबैक ली जाएगी, एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है, इस तो बाकी
पीयर जिहड़े आ गए स्टूडेंट्स इत्थे आ गया पीयर तो भी पूछा जाएगा उन्हां दी परफॉर्मेंस बारे टीचर्स तो भी पूछा जाएगा उन्हां दी परफॉर्मेंस बारे पेरेंट्स तो भी पूछा जाएगा उन्हां दी परफॉर्मेंस बारे हैड तो भी पूछा जाएगा उन्हां दी परफॉर्मेंस बारे सो मल्टी सोर्स फीडबैक इहदा दूजा नाम मल्टी रेटेड फीडबैक मल्टी सोर्स असैसमेंट ऑल ऑफ इज राइट आंसर नेक्सट क्वेश्चन है साडे कोल फुल फॉर्म ऑफ MSCEIT इदां दे क्वेश्चन नूं जल्दी सॉल्व करन लई इह देख लईदा है कि कॉमन कीड़ियां चीज़ां आ रही हैं उहदे चों आपां लभदे हाँ पहलां की कॉमन आ रहा है मेयर सोल्वे क्रूसो इमोशनल इंटैलीजेंस देखो इमोशनल इंटैलीजेंस की गल है ई आई तो वह तो आएगा ही आएगा सो मेयर सोल्वे क्रूसो ये तीन नाम पिछे करके आए हैं आणगे आणगे तिना दे विच है चौथे दे विच भी है अच्छा इमोशनल इंटैलीजेंस इमोशनल इंटैलीजेंस इमोशनल इनवेंटरी ये अलग है मैं अंडरलाइन कर लिया इमोशनल इनवेंटरी ये है ये तुक नहीं बन रही इमोशनल इंटैलीजेंस आएगा इमोशनल इनवेंटरी नहीं होएगा ये बेस पर मैं इन्हों रिजैक्ट कर दिता मेरे को दो बचे हैं इमोशनल इंटैलीजेंस टैसट है या टैक्नीक है नॉर्मली टैसट जो हों टेक्नीक जिहड़ी है क्वालिटेटिव हुंदी है टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव हुंदा है और टेस्ट दे विच इत्थे लिखूंगा आर इत्थे डबल्यू पाया आर दा मतलब राइट आंसर रोंग आंसर राइट आंसर दा एक नंबर और रोंग दा जीरो टेस्ट ओ हुंदा है सो सब तो नेड़े बन रहा है साडा ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ इस नाल ही संबंधित है मेयर सोल्वे क्रूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इज मॉडल्ड ऑन एबिलिटी बेस्ड आईक्यू टेस्ट एबिलिटी बेस्ड ईक्यू टेस्ट ट्रेट बेस्ड आईक्यू टेस्ट ट्रेट बेस्ड ईक्यू टेस्ट हुणे गल करके आए हाँ कि ट्रेट बेस्ड टेस्ट जिहड़ा है उहदे उहदा संबंध पर्सनैलिटी दे नाल है ओके सो जिहड़ा पर्सनैलिटी है तुहाडे विच की गुण ने एज टोटल तुहाडियां हैबिट्स की है तुहाडे की स्टिमुलस रिस्पोंस ने तुहाडियां आदतां दा पूरा सम है सो इहदा टेस्ट नहीं कदे हुंदा राइट रोंग नहीं हुंदा इहदी इनवेंटरी डिग्री हुंदी है इसका स्केल हुंदा है इसका और दूजी गल जिहड़ी हुणी पिछे दसी है कि टेस्ट इहदे पिछे टेस्ट लिखिया है टेस्ट विच राइट ते रोंग हुंदा है दूसरी गल जदों राइट रोंग हुंदा है थोड़ा इत्थे जाके समझ लैने हां जसों किसी चीज़ का आंसर राइट या रोंग हुंदा है राइट का असी एक मार्क दिने हाँ रोंग का जीरो मार्क दिने हाँ राइट रोंग इत्थे जिहड़ा बच्चा जिन्ने क्वेश्चन दे आंसर राइट करता है उसकी उन्नी ज़्यादा इत्थे लिख लगा एबिलिटी ज़्यादा हुंदी है सो ट्रेट दे नाल सॉरी राइट रोंग दे नाल जां टेस्ट राइट रोंग है उत्थे की आ जांदा टेस्ट टेस्ट हमेशा एबिलिटी बेस्ड हुंदा है वापस चलते हाँ सो टेस्ट है शब्द आंदा ते नैचुरली है एबिलिटी सानू इंडिकेशन मिल गया कि इन्हां दे विचों राइट आंसर होएगा ट्रेट बेस्ड वाले विचों रोंग आंसर होएगा हुण ये देखना है कि आई क्यू नूं चुनना है जां ई क्यू नूं चुनना है जदों आई क्यू टेस्ट हुंदा है देखियो हमेशा ही जिदा MCQ क्वेश्चन ये पूछे जाते इन्हां चों एक राइट आंसर है इदां ही आई क्यू दे जिन्ने भी टेस्ट हैं जिन्नियां ऑप्शन दित्तियां उन्हां चों एक राइट आंसर हुंदा है सो एबिलिटी बेस्ड आई क्यू टेस्ट ते बेस्ड है ए वाली मेयर सोल्वे क्रूसो इमोशनल इंटैलीजेंस टैसट की ना कि ईक्यू टैसट के बेस पर जेकर यह क्वेश्चन डिस्कस ना होया हो तो मेरे ख्याल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट आंसर इस लगाएंगे तो राइट आंसर एक्चुअल है एबिलिटी बेस्ड आईक्यू टैसट के बेस पर है नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को विच ऑफ द फॉलोविंग साइकोलॉजिस्ट गेव मिक्सड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस इन्हों किस मनोविज्ञानी ने भावनात्मक बुद्धि का मिश्रित मॉडल दिता मैं गल की है कि बार का मैं रखिया है याद सोशल इमोशनल इंटैलीजेंस तीन ना तीन मैच करते हैं है ना गोल गप्पा का शायद पता नहीं दस दिता है गोल गप्पा बना के पा गोल गप्पा लास्ट आता है पी तो मैं परफॉर्मेंस याद रखिया है परफॉर्मेंस याद रखिया है हाँ इत्थे हुण गल ए है जिहड़ा नवीं चीज़ इहदे च दसनी है कि ये दोनों मॉडलों के नाम दसे है मैं लेकिन जो टाइप ऑफ मॉडल आते उहदे च मेजर है टाइप मिक्सड मॉडल उहदे विच ये दोनों ही आते हैं हुण तुहानूं इहदा नाम भी पुछा जा सकता है बारहों का मॉडल का नाम और गोलमैन के मॉडल का नाम भी पुछा जा सकता है लेकिन किहड़ी टाइप च आउंदा है मिक्सड इत्थे मिक्सड नूं मैं अंडरलाइन कर लिया और मैं कहा बी जी इन्हां दोनों नूं मिक्स कर दो बीजी असी बजुर्गों नूं बीजी कहने ना मैं उस नाल जोड़ लिया बीजी इन्हां दोनों नूं मिक्स कर दो बीजी बी बारॉन गोलमैन याद हो गया नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल
इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन एरे ऑफ नॉन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट इन्फ्लुएंस वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन कोपिंग द विद एनवायरमेंटल डिमांड एंड प्रेशर। किसने कहा? भावनात्मक बुद्धि गैर बौद्ध आत्मक समर्थावां योग्यतावां ते हुनरां दी एक लड़ी है जो वातावरण दीयां मंगां ते दबाव नाल सिंजण दी विच सफल होण दी योग्यता नूं प्रभावित करदी है। किसने प्रभाषित किया है इस तरह? हुण इह लंबी स्टेटमेंट है, इसनूं याद नहीं रखना, इस विच्चों कुछ शब्द जां इहदा सेंट्रल आइडिया कहिड़े शब्द च है उह कढ लैणा है। याद रखने लई मैं सिर्फ रखिया सी सब तो यूनीक वर्ड जिहड़ा उह एरे। एरे सिर्फ वरत्या है ए बी ने, ए बी याद रख के बार ऑन बन गया सी, बार ऑन इत्थों याद आ गया सी। लेकिन तुसी इहदे नालों बैटर है थिंकिंग वाला याद कर सकते हो, वह जिहड़ा है मेन नॉन कोगनेटिव कॉम्पिटेंसिज, ये शब्द है। बार ऑन इत्थे लिखना है, ऑन जिथे लिखा है उत्थे नॉन बना दिता मैं, बिल्कुल मैच कर गया, नॉन कोगनेटिव कॉम्पिटेंसिज। तो क्योंकि कॉम्पिटेंसिज शब्द इन्हां दे मॉडल दे नाल जुड़दा है। सो दो तरीके इस विच दसे, एरे ऑफ नॉन कोगनेटिव कॉम्पिटेंसिज याद रख्या, कैपेबिलिटीज़ नूं मैं इत्थे छड्डिया सी। जदों इदां लिखोगे मिंट विच, एक सैकेंड विच इनफॉर्मेशन याद हो जानी है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर रेवन्स बार ऑन ही है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल अगे, इमोशनल इंटैलीजेंस इज ए पार्ट ऑफ कोगनेटिव इंटैलीजेंस, सोशल इंटैलीजेंस, कंक्रीट इंटैलीजेंस, एबस्ट्रैक्ट इंटैलीजेंस। जदों असीं इमोशनल इंटैलीजेंस की परिभाषा करते हाँ तो ये देखते हाँ कि इमोशनल इंटैलीजेंस विच एक शख्स है और दूसरा शख्स है, इसनों कलर होर कर लेने हाँ, और ये शख्स की एबिलिटी है एक तो अपने आप दे इमोशनज़ नूं समझण दी योग्यता, दूसरा है कि ये दूसरे दे इमोशन नूं किद्दां समझ सकता है। जदों ये दो चीज़ां सैल्फ एंड अदरस आंदियां हन, उहदे विचों जदों ही अदर आंदे हन, इत्थे अदर लिखिया, उदों ही समाज बन जाता है, उदों ही समाजिक बन जाता है, उदों ही संचार हुंदा है। तीन सारिया चीज़ां मिलदियां है, संचार मीन कम्युनिकेशन, और उदों इमोशन कम आने हैं जो दो जाने कम्युनिकेट कर रहे हैं और समाज बन गया। सो समाजिक इंटैलीजेंस कदे भी इमोशनल इंटैलीजेंस चो बाहर नहीं हो सकती। राइट आंसर इज ए, बड़ा काला पै जाता है। राइट आंसर इज सोशल इंटैलीजेंस। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, इमोशनल इंटैलीजेंस इज द कपैसिटी फॉर रिकगनाइजिंग ओवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदरस। हुणे गल करके आए हैं, बाय चांस ये सीधा पूछ लिया गया है, हाँ, फॉर मोटिवेटिंग अवर सैल्फ एंड फॉर मैनेजिंग इमोशन इफेक्टिवली इन अवर सैल्फ, देखो एंड अदरस, इस दी सेंट्रल आइडिया की मिलिया मैनू, सेंट्रल आइडिया ओन एंड अदरस, दो शब्द मैं ज़्यादा नहीं कढे, ओन इमोशन अदर इमोशन, ओन फीलिंग अदर फीलिंग। सो इनू याद किदा रखिया सी, ओन तो ओन लिखिया सी, ओन तो अदर लिखिया सी, ठीक है, जां गोल गप्पे दे गोल दे ओ नू कढ़ लिया, ओ नू दो बनाया, ओ दा ओन भी है ते अदरस भी है, क्योंकि इस मॉडल दी डिवीजन डायमेंशन दी फी इदा ही होनी है, दैट इज़ वाई दे सेंट्रल आइडिया है। इस दी स्टेटमेंट भी बना सकते हो, डीसी साहब गोल गप्पा खांदे हैं, एक्चुअल च मैं कीती हुई इस तरह याद किए हुए ने, डीसी साहब गोल गप्पा खांदे ने, गोल गप्पे नाल परफॉर्मेंस जुड़ गई, डीसी नाल होर कुछ जुड़ेगा अगे जाके पता चलेगा, आप भी खांदे है तो दूजियां नूं भी खवांदे है, जे इदा नहीं याद रखना तो ओ नूं इस तरह एसोसीएट कर लो। नैक्सट लिए जी, थिंकिंग थोरो बिफोर टेकिंग एक्शन इज डेफिनेशन ऑफ विच डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस। कार्रवाई करन तो पहला सोचना, भावनात्मक बुद्धि दे केड़े पहलू दी परिभाषा है, स्ट्रेस टॉलरेंस है, हैप्पीनेस है, इंपल्स कंट्रोल है, रियलिटी टेस्टिंग है, मेरे ख्याल तनाव सहनशीलता तुहानू पता होएगी, खुशी का पता होएगा, इंपल्स कंट्रोल या रियलिटी टेस्टिंग नहीं पता होएगी। थोड़ा जहा समझ लेने हाँ कि इंपल्स कंट्रोल की हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, एक नहीं है तीन शख्स है, एक ए है हाँ, दूसरा ए है, तीसरा ए है, किसी होर व्यक्ति ने एक कोई गल कही, कौड़ी गल कही, माड़ी गल कही, इस व्यक्ति ने एक सैकेंड लिया तो रिएक्ट कर दिता है ना, कुछ बोल दिता, इस शख्स ने थोड़े सैकेंड ले फिर रिएक्ट किया, इस शख्स ने ज़्यादा टाइम लिया उस तो बाद रिएक्ट किया।
हुण सब तो खतरनाक रिएक्शन केड़ा होएगा सानू पता है जिसने सब तो घट टाइम लिया, सब तो घट टाइम लिया इट मीनस इसने थिंकिंग टी मीन थिंकिंग, इसने सोचा नहीं जस्ट रिएक्ट करता, इसने थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा की और इसने थिंकिंग ज़्यादा टाइम की। जिसने ज़्यादा टाइम थिंक किया उसका कौड़े बोलों का जवाब थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा घट कौड़ा, थोड़ा बैटर, थोड़ा इमोशन मैनेज करने वाला होएगा। दैट इज़ वाई कहते जो भी नैगेटिव इमोशन हो कदे भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अग्रैशन डिसीजन या रिएक्ट नहीं करता। अग्रैशन स कंट्रोल कर एक स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल कि है, पोस्टपोन कर दो, बस अपने आप को रोज़ कहना जो अग्रैशन है बस 2 सैकेंड 4 मिनट 1 मिनट पोस्टपोन कर देना है। सो इस व्यक्ति ये जड़ा एकदम रिएक्ट करना है इसनों कहते हैं इंपल्स। ओके, एकदम रिएक्ट करना, रिएक्शन विदाउट थिंकिंग। सो जिसने सोच के किया है उसने इंपल्स नू कर लिया कंट्रोल। सो इंपल्स कंट्रोल साड़ा राइट आंसर की होया इंपल्स कंट्रोल, क्योंकि उसने सोचा थोरली और बिफोर टेकिंग एन एक्शन। हाँ, रियलिटी टेस्टिंग की होंगी है, अगे तो कम आ सकती है, इसनों समझ सकते हैं। मान लो एक शख्स है वो अपने ऑफिस विच गया है, वो दूसरे शख्स नू मिलिया है, तो इन्होंने विश की। ओके, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग की, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। जवाब ना देने तो बाद इन्होंने सोचा किन्ना गुस्से वाला है, इन्होंने इन्हों के बारे विचार बनाए किन्ना हंकारी है। हाँ, मैं उस दिन इन्हें लड़ाई की सी, शायद ता नहीं मैनू इसने गल की होगी मेरे न। अच्छा, उस शख्स ऑफिस में तीसरे बंदे ने बुलाया, ये तीसरा बंदा है, इन्होंने भी जो ये मिले इन्हों विश की पर इन्होंने जवाब नहीं दिता। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार लगता है, इन्होंने की बनाया, लगता है अजो बहुत सोचा विच सी, उसनों कोई स्ट्रैस है। तो ये थोड़े देर बाद उन्होंने ऑफिस में जाके मिले कि तुसी ठीक हो, तुसी मैनू थोड़ी चिंता च लग रहे सी। उन्हें कहा यार हाँ अज घर विच ए गल हो गई, मैं चिंता सी। कहिंदा हाँ मैं तुहानू विश भी कीता, तुसी जवाब नहीं दिता मैनू तां लगा। हुण इन्होंने इन्होंने इमोशन पढ़े तो रियलिटी जिहड़े इमोशन सी कि वह स्ट्रैस विच सी इन्होंने जान ले। दिस इज़ नोन एज ऑबजैक्टिव रियलिटी टैसटिंग। रियलिटी की सी, स्ट्रैस सी उन्होंने जो सी उसे ही जाणिया रियलिटी टैसटिंग। दूसरी तरफ के तुसी सबजैक्ट अपनिया फीलिंग नू विच पा के उन्हां दियां इमोशनस या फीलिंग नू समझ रहे हो, जिहदे विच तुसी कहता अगला टेंशन सी तां तुहाडी विश नू अटेंड नहीं कीता, तुसी कहता गुस्से च अहंकारी है लड़ाई, उन्हां दे बारे नैगेटिव थॉट बना ले। सो इत्थे सबजैक्टिव रियलिटी टैसटिंग है। सो इमोशनल इंटैलीजेंस ऑबजैक्टिव रियलिटी टैसटिंग विच जांदे हन। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, इमोशनल इंटैलीजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव इमोशन, टू असैस एंड जनरेट इमोशन। ये भी मैं कुछ लाइना जड़िया लगिया, मैनू मैं परसीव्ड इमोशन नू कीता है, कलर चेंज कर लिए थोड़ा जा क्योंकि बैकग्राउंड का, सॉरी हाँ बैकग्राउंड का कलर जड़ा है वो मैच नहीं करता। परसीव्ड इमोशन नू मैं और टू असैस एंड जनरेट इमोशन नू याद रखिया सी। सो एज टू असैस थ्रू थॉट, टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज एंड टू रिफ्लैक्टिवली, रिफ्लैक्टिवली एक वक्रा शब्द है इच आया, रेगुलेट इमोशन सो एज टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटलैक्चुअल ग्रोथ। इस डेफिनेशन मैं ये सब तो ईजी की च लगा कि कली डेफिनेशन जिसने इमोशनल तो इंटलैक्चुअल दो पर्सनैलिटी के आसपैक्ट की गल की है, और ये दो जाने ने मैं इदा याद रखा कि ये एक जाने दोनों ने मिल के ही लिखा होएगा, तो दो जाने मैं मेयर एंड स्लो क्योंकि इन्हों की जोड़ी सी इस तरह याद मैं रह गया सी। तुसी इसनों किसी तरह परसीव्ड इमोशन ना भी जोड़ सकते हो क्योंकि परसीव्ड परसैप्शन ये चीज़ा अगे जाके इस दे विच आन गया। दैट इज़ वाई परसीव इमोशन ना जोड़ के परसीव इमोशन लिख के एम नाल इनू भी जोड़ सकते हो। राइट आंसर इज़ मेयर एंड सॉल्वे। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, यस नैक्सट क्वेश्चन, हा हू इज़ नोन एज द फादर ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस, किसनों भावनात्मक बुद्धि के पिता वजो जाणिया जाता है। ई एल थॉर्नडाइक जिन्हों की इंटैलीजेंस की थ्यूरी सी कि उन्होंने पिता कहा जाता है, मेयर सॉल्वे जिन्होंने शुरू में इमोशनल इंटैलीजेंस में लेके आए थे, रेवन बारऑन जिन्होंने अपना इमोशनल सोशल मॉडल ऑफ है ना, देखो बार मैं इदा ही आ जो ही बार देखना इमोशनल सोशल इंटैलीजेंस।
एकदम याद आ जाता कि साढ़े डीसी साहब ने, डीसी साहब गोलगप्पे खाते हैं, खुद भी खाते हैं होरां भी खिलाते हैं, कितना कुछ याद हो गया कि सैल्फ की इमोशन की अदर के इमोशन की करते हैं गल। सो डीसी साहब टॉप पर होंगे, दैट इज वाई डीसी साहब ही हो सकते हैं ना फादर। एक्चुअली इन्होंने पॉपुलर किया, इंटरनेशनली फेमस कंसैप्ट इन्होंने किया, इन डैप्थ रिसर्च करन तो बाद। सो गोलमैन डिनाइल, गोलमैन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को, सितारे कितों आ गए। द रूट ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस कैन बी ट्रेस्ड इन फिलोसफी ऑफ प्लैटो, अरिस्टोटल, सक्रात, लॉक। कि फिलोसफी चो भावनात्मक बुद्धि दी जड़ां किस विच लभियां जा सकदियां, प्लैटो दे दर्शन चो, अरस्तू, सुकरात, लॉक दे विचों। इहदा सिंपल आंसर दे दिंदा हाँ कि प्लैटो है, क्योंकि प्लैटो ने कहा सी कि ऑल लर्निंग हैज इट्स इमोशनल बेस। मैं इमोशनल बेस ना, मैं इतों याद रखा सी, बेस दी पी उल्टी करके इसनों याद रखा सी, प्लैटो इतने दिखता ही नहीं होना ना मेरे ख्याल से, दूसरे तरह से है, इतने है बेस, बेस छोटा बी ए सी ई, बी दी पी उल्टी मिरर इमेज बना के प्लैटो नो बना लिया सी, इदा याद रखा है। एक कोटेशन यही पूछी जाती है, इससे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस इज गिवन बाय भावनात्मक बुद्धि के प्रदर्शन मॉडल डैश द्वारा दिता गया है। रीवंस बार ऑन डिनाइल, गोलमैन, मेयर सोलवे एंड क्रूसे, थॉर्नडाइक। मैंने याद किदा रहा सिर्फ वो दसन लगा हाँ मैं किदा याद रखा सी कि डीसी साहब, डीसी साहब खुद गोलगप्पे खाते हैं, सैल्फ दूजियां नूं भी गोलगप्पे खिलाते हैं, है ना। जिहड़ा गोलगप्पे का गोलगप्पा, हे गोलगप्पा, है ना, गोलगप्पे की पी सी आई मैनू याद सी, परफॉर्मेंस इत्थे मैं लिखिया सी परफॉर्मेंस। ईजीली मैनू राइट आंसर मिल गया, डिनाइल, गोलमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हूम इमोशनल इंटैलीजेंस इज कलस्टर ऑफ स्किल एंड कॉम्पीटेंसिज। देखो ये सब तो यूनीक शब्द केड़ा है, जिस किस दे अनुसार भावनात्मक बुद्धि कुशलतावां अते योग्यतावां दा एक समूह है, ये समूह है कलस्टर ऑफ स्किल्स या कलस्टर ऑफ कॉम्पीटेंसिज, कलस्टर इज द मेन। ठीक, याद किदा रखा है, सॉरी इतने राइट आंसर पहला ही हाँ, डीसी साहब खुद गोलगप्पे खाते हैं, इतने खुद लिख सकते हो पंजाबी विच, दूजे नूं गोलगप्पे खिलाते हैं, अच्छा इहदी इमेज बना सकते हैं, गोलगप्पा लिख के उहदी पी तो परफॉर्मेंस याद रखी, और जिहड़ा डीसी सी इह सी मेन सी कलस्टर ऑफ कॉम्पीटेंसिज। किन्ने क्वेश्चन गोलमैन दे इससे कुछ सॉल्व हुए, या तुसीं की रखना है, डीसी साहब खुद नूं भी गोलगप्पे खिलाते, अदर नूं भी गोलगप्पे खिलाते, गप्पे की पी याद रख ली, डीसी की सी याद रख ली, और डीसी क्योंकि टॉप पर हुंदा है, आप इमेजिन कर लो कि साढ़े जिले में डीसी टॉप पर है, इसलिए वह फादर है। सारे गोलमैन दे इन्ने च तुहानूं याद हो गए, जे हो कोई टैक्निक तुहाडे कोल बैटर है तो उसनों फॉलो करो। द ई क्यू आई 2.0 इज बेस्ड ऑन डैश मॉडल ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस। ई क्यू आई 2.0 भावनात्मक समाजिक बुद्धि दे किस मॉडल पर आधारित है। देखिया मैं की किया सीगा कि मैं याद रखिया है, पहला वैसे दस आया हाँ, वेरी ईजी, इतने ई क्यू आई 3 है ना, तो मैं कि याद रखा ही सोशल इमोशनल इंटैलीजेंस, इस क्वेश्चन के विच है सोशल इमोशनल इंटैलीजेंस, तो 3 ना मैं कि याद रखा सी, ये बार है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 है। सो राइट आंसर मैनू तो बड़ी जल्दी मिल गया, बार ऑन कितने है, ये रहा बार ऑन। इस तो इलावा एक होर मैथड ना मैं किया सी, ओ ए सचमुच रिसर्च जो करवाना सी ना, रेवन का ई ई 2 बार आते ने, ई क्यू आई इतने लिखा सी, याद, लेकिन मैनू ये ज़्यादा तुहानू जिहड़ा ईजी लगता है वो तुसी मैथड अपलाई कर सकते हो। मैमरी बेस्ड ही क्वेश्चन ने ज़्यादा, इसलिए थिंकिंग वाले ज़्यादा नहीं हैं। द एबिलिटी टू मैनेज वनज इमोशन, हुण किन्ना इंपॉर्टेंट शब्द आ गया मैनेज, मैं इसनों एकदम अंडरलाइन कर लिया, एंड इंपल्सिज नोन एज इंपल्स कंट्रोल की पहला गल करके आया, इतने मैनेज शब्द का मतलब कंट्रोल है, मैं ये पता है। सो मैनेज या कंट्रोल ना कि शब्द मैच कर रहा है, कि स्किल मैच कर रहा है, कि अवेयरनैस, अवेयरनैस ये भी है हाँ, रेगुलेशन मैनू पता है, पखे का रेगुलेटर पखे नू कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मेरे ख्याल से राइट आंसर यही होएगा, सचमुच राइट आंसर यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को एंड ऑफ पार्ट वन न्यू इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट विच थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सो देख सकते हो लिंक नीचे होएगा। इस तो इलावा पावलोव या कोई होर साइकोलॉजिस्ट, गुथरी हो सकता है, थॉर्नडाइक है, स्किन्नर है, अल्बर्ट बांदूरा है जी मॉडलिंग थ्योरी है उन्हों की, ब्रूनर है डिस्कवरी लर्निंग, सोशल कल्चरल थ्योरी गॉस्ट की है, प्याजे कोग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। सो इन सब थ्योरियां ते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवे जेडे जिन्हां दी एक्सरसाइज इस तरह मेमोरी मॉडल नाल कोग्नेटिविज्म नू अप्लाई करके किस तरह ईजी कर लेने हैं। 90%, 80%, 70% तुहाडी एनर्जी, मेंटल एनर्जी बच सकती है। सो इना ते अलग अलग वीडियो भी आएंगे, वीडियो लंबे भी मिलेंगे, लास्ट एक छोटा वीडियो होएगा जिवें पावलोव दियां किन्नियां वीडियो पा दित्तियां, लेकिन एक वीडियो विच एक्सपैरिमेंट ते उन्हां दे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाएंगे, इसे तरह सारियां थ्योरीज डिस्कस कीतियां जाएंगियां। देख सकते हो किसी भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम लई तैयारी लई, जे अच्छा लगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।